फ्रेंड्स, फाइनली हम सारनाथ का जो टेंपल है उसके परिसर के अंदर प्रवेश कर गए हैं और मेरे साथ है सूरज जी। देखिए यहाँ पर आज कोई जू भी था, लेकिन जू आज काउंटर पे कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, हम लोग वापस आ गए। इधर देख रहे हैं वहाँ पर कोई सेमिनार भी चल रहा है, पीछे तरफ कोई सेमिनार चल रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, काफ़ी भीड़ भाड़ है, हो सकता है उसके चलते जू बंद हो। ये देखिए फ्राइडे को वीकली ऑफ रहता है, फ्राइडे बुद्ध के शरीर के अंगों को दफनाया गया है। अच्छा, ये बुद्ध का एक बाल आज भी श्रीलंका में सुरक्षित रखा गया है। बुद्ध का एक बाल? जी बिल्कुल, उनका एक बाल आज भी सुरक्षित रखा गया है। और जो उसकी डेटिंग है, डेटिंग के हिसाब से उनका डेट ऑफ बर्थ, ये सब सारी चीज़ें कि कब वे पैदा हुए ना, अच्छा डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ, सॉरी ईयर ऑफ बर्थ क्लियर हुआ। जो मॉन्यूमेंट दूर में बड़ा बड़ा धमक स्तूपा है, गूगल पे सर्च करते थे यही हमें दिखाई देता है। सबसे पॉपुलर मॉन्यूमेंट है यहाँ का। यहाँ पे डियर पार्क है जो अभी बंद है। पहले पूरा क्षेत्र जो है हिरन के लिए बहुत फेमस हुआ करता था, हिरन के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। नालंदा गए कभी? नालंदा अभी बाबा बिहार में कभी हम नहीं गए। वहाँ पर भी ये जो ईंट के ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वहाँ पे, नालंदा तो विश्वविद्यालय हुआ करता था, वहाँ पे कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर वहाँ पे है तो मुझे। और ये सारनाथ बहुत बड़ा है, चूंकि इसे एक दिन में नहीं देखा जा सकता। चलिए कोशिश करते हैं। चलिए कोशिश करते हैं। अशोक स्तंभ में जाने का मार्ग हमें दाहिनी तरफ जाना है, चूँकि बाएं तरफ के लिए समय नहीं है। अगर हम ऊपर चले तो हमें वो दिख सकता है, हिरन वगैरह दिख सकते हैं ना। अरे बाबा खड़े होइए, फोटो खींचते हैं यहाँ से बढ़िया। तो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे काफ़ी लामाओं, यानी कि विदेश से, जैसे कि थाईलैंड, कंबोडिया वगैरह देशों से जो टूरिस्ट आते हैं, वे यहाँ पर भारत में अधिकतर बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी स्मारक हैं, जैसे गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी स्मारक हैं, जैसे कि बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, ये इन मॉन्यूमेंट्स में आप जो है हमेशा इन टूरिस्ट को आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर चारों तरफ जो है वही टूरिस्ट, उन्हीं टूरिस्टों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और वे कुछ कुछ प्रेयर यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, बाल ठीक है ना। हाय फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत बढ़िया गुजरा। बनारस में एक दिन कैसे हो सकता है? बनारस के लिए तो कम से कम 3-4 दिनों की जरूरत है, लेकिन हम लोगों ने 2 दिन का काफी हड़बड़ी में प्लान किया है। और हम लोग कुछ जगह घूम चुके थे, आज सुबह हम लोगों ने 80 घाट से शुरू किया। हम सुबह सो के उठे 8 बजे के आसपास में, फ्रेश हुए, तुरंत टुक टुक पकड़ी और पहुंच गए। थाईलैंड वाली टुक टुक नहीं, टेक टुक टुक गो बुम बुम वाली नहीं, बनारस वाली, देसी वाली, टेक टुक टुक गो महादेव। और उसके बाद में हम निकल गए 80 घाट पे। पहले क्रूज में जाने का प्लान था, पर क्रूज वाला साफ सफाई और सारी चीजें हो रही थी, जिसकी वजह से परमिशन नहीं मिली। तो क्रूज अभी शुरू हो चुका है? क्रूज शुरू लगभग हो चुका है और ऑनलाइन बुकिंग उसकी शुरू हो चुकी है, सुबह शाम चल रही है। फिर हमने 80 घाट से एक नौका बुक की, चूंकि लोकल होने का फायदा मिलता है, देसी भाषा में आप बात कर सकते हैं। तो हम और आरडी सर निकल गए वहां से, फिर दशाश्वमेध घाट के दूसरी साइड गए रेती पे, जो बनारस का जैसलमेर है, आनंद लिया। उस पर काफी अच्छा बहुत बहुत बढ़िया सीन है वहाँ पे, एकदम एक तो व्हाइट सैंड है पूरा और बिल्कुल आनंददायक है ना। उसके बाद में हम वहाँ से गए दशाश्वमेध घाट। फिर हम दशाश्वमेध घाट पहुँच गए, फिर वहाँ से हम दूसरी साइड, चूंकि दशाश्वमेध घाट पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने नौका वाले से कहा कि वे हमें मान महल छोड़ दे, तो हम मान महल घाट पहुँच गए और वहाँ से फिर गदौलिया चल के, चूंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, दिन के 12 बज रहे थे, हमें सारनाथ भी आना था, हमें खाना भी नहीं खाया था। घाट पर एक ऑब्जर्वेटरी होता था जो अभी मानमला ऑब्जर्वेटरी है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है एएसआई के निर्देशन में, वो जल्द ही बन के तैयार हो जाएगी। और टिकट वहाँ से आएगा 15-10 रुपए इंडियन के लिए। बोट वाले से कितना लिया था उन्होंने? बोट वाला हम ना होते तो 1000 रुपए से कम में तैयार ना होता। हमारे साथ में वो 500 रुपए में मान गया था बढ़िया से, जबकि हमने कम से कम 1.5 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय की। और बनारस में तो बनारस अपने ठगों के लिए फेमस है। बनारस हम भी बनारसी है, बनारसी ठग बहुत फेमस है, पर मैंने आज तक कभी किसी को चीट नहीं किया बिजनेस में भी। तो बाबा उसके बाद में फिर हम वहां से आए और रूम पे पहुंचे, खाना खाया खाना और फिर बताइए। उसके बाद हमारा प्रोग्राम था सारनाथ जाने का। सारनाथ में हमारे एक
घुमक्कड़ साथी चंद्रेश जी रहते हैं, उनसे हमें मिलना था लेकिन अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक और दो बार ऑटो हमें चेंज करनी पड़ी। पहले हम कैंट तक आए, कैंट तक के रेलवे स्टेशन तक। हाँ, कैंट को रेलवे स्टेशन पर हमने फिर थोड़ी दूर पैदल चली, एक फ्लाईओवर था जो गिरा हुआ अभी जो कुछ दिन पहले फ्लाईओवर है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका 1.5 साल का प्रोजेक्ट है कि वो 1.5 साल में बनेगा ना, 1.5 साल में कम से कम बन के तैयार। ऑटो में लगभग हमें आधे घंटे और लगे लगभग। अरे मैं तो सो ही गया, गूगल में जब वाराणसी टू सारनाथ सर्च किया था तो देखा था 10 किलोमीटर, लेकिन जब यहाँ पर आया लगा बनारस के हिसाब से, बनारस के हिसाब से कभी कभी 2-4 घंटे लग जाते हैं, यहाँ पर काफी है तो लगभग 1 घंटे लग गए हमें 20 किलोमीटर तय करने में यहाँ तक। उसके बाद सबसे पहले हमें एक जैन मंदिर दिखाई दिया, पहले जहाँ फ्री एंट्री थी तो वहाँ पर हम कूद के घुस गए, लेकिन देखा कि ये तो सारनाथ नहीं है, ये कोई जैन मंदिर। फिर दिगंबर जैन मंदिर गए, वहाँ से बाहर निकले और फिर पूछा, फिर हम उत्खनन स्थल आए जो है यहाँ पे विदेशियों के लिए 300 रुपए है और इंडियंस के लिए 25 रुपए है। 25 रुपए में यहाँ पर बहुत काफी काफी लोग पूछते हैं कि मतलब कि भारत में लूटा जाता है विदेशियों को। तो उन्हें बता दूं कि कभी आप आर्कियोलॉजी की दूसरी वेबसाइटें मोनूमेंट्स की मतलब दूसरे देशों की खोज के देखिए यूरोपियंस की, हमारे यहाँ तो रुपए में, उनके यहाँ डॉलर में पैसे लगते हैं और 1-2 डॉलर वो भी नहीं लगता, और ज्यादा एंट्री फी है, समझ लो जी की 700-800 रुपए एंट्री फी है। कुछ तो बदला लेनी पड़ेगी ना उनसे, कुछ बदला लेना पड़ेगा कह सकते हो। तो नॉर्मली फी है 300 रुपीज फॉरिनर्स के लिए ना। जो उत्खनन स्थल है उसकी वीडियो आपको देखने को मिल चुकी है, और जो मतलब कि सारे यहाँ पे हैं, लामा बैठे पूजा कर रहे हैं, जापानी आते हैं, भूटान से आते हैं। एशिया में हम लोग एशिया जैसे हांगकांग, चाइना, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया वगैरह घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात है कि वो रिवर्स इधर आ रहे हैं, उल्टा वो इधर। देखिए सर, देखिए जो मतलब कि जो बनारस है वो सिर्फ सनातनियों के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए नहीं है। सारनाथ में बाबा सारनाथ में अरे महात्मा बुद्ध जी ने प्रथम अपना उपदेश दिया था, और उसके बाद में सारनाथ फेमस हो गया। यहाँ पे बहुत बुद्धिस्ट आते हैं, मैं लद्दाख गया था कुछ दिनों पहले, वहाँ भी लोग मतलब बहुत इंटरेस्टेड थे ना यहाँ आने के लिए, जबकि लद्दाख खुद ही मिनी तिब्बत है। जितने भी बुद्धिस्ट मोनूमेंट है यहाँ पर इंडिया में, सारे जो एशियन कंट्रीज के टूरिस्ट यहाँ पर काफी आते हैं उनमें। बिल्कुल बिल्कुल, पटना, अरे आप कभी बोध गया चले जाइए, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप भारत में है ना, आपको लगेगा कि आप किसी फॉरेन कंट्री में। इतनी साफ सफाई, शालीनता, तवज्जो, सारी चीजें ना, पर्यटकों के साथ अच्छा व्यवहार, और जो मतलब कि भाई देखिए एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शिप, हर जगह आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, आपने समय निकाला। सूरज मिश्रा विद ट्रेवल विद आरडी। धन्यवाद, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में किसी और इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन बहुत ही शुभ हो।